इसे समझो कि जीवन के कुछ अनुभव अनुभव करने के लिए होते हैं, हर चीज को समझने की जरूरत नहीं है। इसमें होता यह है कि आपके भीतर की जो परतें हैं वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती है। तो याद रखना कि हर चीज को समझना ही उसकी खूबी नहीं है, कभी कभी जीना ही पर्याप्त होता है। किमिया प्रोसेस का क्या अर्थ? देखो, कोई भी प्रोसेस ऐसी होती है जो तुम करके ही समझोगे। हर चीज का अगर अर्थ ढूंढने जाओगे तो सिर्फ एक तार्किक बुद्धिमत्ता के तहत तुम अटक जाओगे। इसे समझो कि जीवन के कुछ अनुभव अनुभव करने के लिए होते हैं, हर चीज को समझने की जरूरत नहीं है। किमिया एक मेडिटेशन टेक्निक है और उसका पूरा का पूरा उपयोग या उसका पूरा का पूरा जो अनुभव है वो तुम तभी कर पाओगे जब तुम उसे करोगे। एट द सेम टाइम इसे बहुत अच्छे से समझना कि जब भी कोई ध्यान की विधि होती है उसे समझने से बेहतर उसे करके दे, अन्यथा होगा ये कि तुम सिर्फ एक तार्किक बुद्धिवादी इंसान बन जाओगे, अनुभव रहित। तो इसे हमेशा याद रखना, चाहे किमिया हो या कोई भी प्रोसेस हो, उसका तुम्हारे जीवन में किस तरह से अनुभव हो रहा है, किस तरह से उसके परिणाम हो रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इससे कि तुम उसे किस तरह से समझ सकते हो चीजों। किमिया का निजात इसीलिए किया गया था ताकि अपने भीतर जो हम चीजें दबाए बैठे हैं बहुत समय से, बहुत लंबे समय से, जो जिस तरह की चीजें हम खुद में समाए बैठे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और समय के साथ वो अंदर के अंदर परते दबे के दबे रहे। उन चीजों को रिलीज करने के हिसाब से ये प्राथमिक दर्जा का एक ध्यान है। इसमें होता यह है कि आपके भीतर की जो परतें हैं वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती है। जैसे कि हमने कहा कि किमिया के कई प्रकार, प्रथम करके देखो, उसके बाद दूसरा करो, उसके बाद आने वाले करो। उससे होगा ये कि अब तुम्हारे भीतर की जो परतें हैं वो खुलेगी और तुम्हें जो अनुभव होंगे वो तुम भी किसी को बताने में असक्षम हो। तुम यही कह पाओगे ध्यान के अनुभव के बाद कि जो हुआ वो प्यारा लगा लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसे बताया नहीं जा सकता, शब्दों में उसे ढाला नहीं जा सकता। तो याद रखना कि हर चीज को समझना ही उसकी खूबी नहीं है, कभी कभी जीना ही पर्याप्त होता है। तो ध्यान की विधियां जीने के लिए है, समझने के लिए नहीं।